वेडिंग की रात। ओके जी, तो आज हम जा रहे हैं एक और प्रॉपर्टी देखने, क्योंकि एक बार आपका नंबर उनके डेटाबेस में आ जाए फिर डीलर पे डीलर आपको कॉन्टेक्ट करते रहते हैं। और हमने ऑलमोस्ट रिफ्यूज भी कर दिया था, लेकिन ये लोकेशन बहुत ही प्यारी है तो हमने सोचा क्यों ना जाके आए। ये है लिपाक्षी टेम्पल के पास, और लिपाक्षी टेम्पल हमने देख रखा है, बहुत ही प्यारा टेम्पल है, बहुत ओल्ड आर्किटेक्चर है और जो स्टोन काइंड ऑफ आर्किटेक्चर होता है वो वाला है। तो हमने कहा चलो घूम के आते हैं इसी बहाने और देख भी आएंगे जो भी लैंड है। एंड गाड़ी के लिए हमने आज मना कर दिया बिकॉज हमें अपना थोड़ा बहुत घूमना भी है तो अपनी गाड़ी में कंफर्टेबल रहता है। इनकी सेफ्टी के लिए भी थोड़ा दूर है, 2-3 घंटे का रास्ता है तो हमें कैब्स में उतना सेफ नहीं लगता। तक ना एरो शो भी है बैंगलोर में, वो यहीं पे होगा दिस साइड। और ये जो भी हेलीकॉप्टर्स हमने देखे थे घूमते हुए, ये शायद एरो शो के लिए ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उससे पहले हमने ना वो भी देखे थे 3 तेजस ऐसा सीक्वेंस में जा रहे थे कुछ, लेकिन उसको मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज वो एकदम से दिखी और एकदम से। सो ये देखो एरो शो की यहाँ पे तैयारियां हो रही है। तो ये गेट तैयार हो रहा है, एरो इंडिया ऐसा कुछ नाम है इस पर इन्होंने रखा है। सो अभी ना एक कॉल आया, मुझे देखे कार भी कनेक्ट किया, थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी। बंदी अच्छी खासी इंग्लिश में बात करके जतिन सर कह रहे हैं मैम हिंदी और इंग्लिश जाम की वजह से थोड़े से लेट हो गए, लेकिन आगे रास्ता क्लियर है एंड यू कैन सी ये हाईवे कितना प्यारा है। और अब हम थोड़ा रूरल्स में जा रहे हैं टुवर्ड्स लिपाक्षी, तो ये वाला रास्ता तो हाईवे से भी ज़्यादा सुंदर है। साइट पे जाने से पहले हमने लिपाक्षी टेम्पल विजिट किया और उसका मैंने एक अलग से व्लॉग बनाया है, आई होप आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और बहुत ही प्यारा ये टेम्पल है, बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ये गेम ऑफ थ्रोन्स वाला ट्री है, ये इस पे अभी रेवन आएगा कुछ घूम रहे हैं। हमें सनसेट से पहले पहुँचना था इसलिए हम फटाफट यहाँ से निकल गए बिकॉज ये फार्म लैंड्स हैं तो वहाँ पे लाइट वगैरह की प्रोविजन शायद नहीं होगी। पता है कि हम लोकेशन पे पहुँच गए हैं, अभी रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करेंगे। और यहाँ पे हमें बहुत सारी शीप दिख रही हैं। तो ये है जी लोकेशन, दिख तो बड़ी प्यारी रही है, बहुत इंटीरियर्स में जाके है, एकदम फार्म्स के बीच में, परफेक्ट प्लेस फॉर अ फार्म हाउस। और लिपाक्षी के पास है, लिपाक्षी टेम्पल इज अ फेमस स्पॉट। तो अभी हम फेज़ वन में जा रहे हैं जो कि सोल्ड आउट है। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और कुछ रूम्स वगैरह भी बनाए हैं, लेकिन फेज़ टू में भी क्लब हाउस का प्रोविज़न है लेकिन वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। हाफ एकर्स और क्वार्टर एकर्स के प्रोविज़न है फॉर फार्म हाउस, और क्लब हाउस तो यही दे रहे हैं एंड 10% में यू कैन कंस्ट्रक्ट ऑल्सो। पूल एंड क्लब हाउस वर अंडर कंस्ट्रक्शन सो आई डिडंट शूट एनीथिंग। ओके जी, तो हम जाके देख आए हैं फार्म्स और अब हम यहाँ पे ले रहे हैं गोलगप्पा ब्रेक, क्योंकि चाय तो हम फ्री वाली पी के आए हैं, हम खाएंगे गोलगप्पे, जो ना को पीना है दूध। और ये आ गए हैं हमारे पानी पूरी, हरे रंग का पानी, लेट्स ट्राई। साउथ इंडियन
साउथ इंडियन पानी, इट्स ओके वी कैन हैव इट. अभी तो आदत हो गई है, शुरू शुरू में थोड़ा ऑड लगता था. सो विद दिस यहीं पे एंड करते हैं अपना व्लॉग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल विच इज लिंक हियर. Thank you.